व्लॉग है। इतनी लग्जरी सोसाइटी में रहते हो। आज ना मुझे घर की बड़ी याद आ रही है। Also discarded so many makeup. I really hope I won't fall, guys. दोपहर का समय है और आज मैं सारा के साथ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ मुंजिया। मैंने सारा को बड़े प्यार से बोला मूवी देखने चलेगी, तो बोलती है कि तेरे साथ कभी दोपहर का शो है। जाने से पहले आई जस्ट नीड टू हैव लंच एंड देन वी विल क्विकली गेट रेडी एंड लीव। सो आज लंच में पनीर भुर्जी एंड टू रोटीज, ये मेरी कुक रेखा दी ने बनाया है। Reached in Orbit Mall. Damn the dhoop. Ooh, too hot. Maine re dhoop. I'm inside the mall now. मैं अपना पानी ऑटो में भूल गई, तो मैंने एक बिस्लरी खरीदा। अभी भी 10 मिनट है हमारे पास। My saris here, क्या फिट लग रही हैं आप? मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ, क्या फिट हो गई आप? अभी मैं अनफिट चीजें करने वाली हूँ। I want popcorn. Yes. मेरे को पता भी नहीं हम कौन सी पिक्चर जा रहे हैं, मैं पॉपकॉर्न नहीं लेने। मैं उसको बोल रही ले ले, थोड़ा पॉपकॉर्न रखा है यहाँ पे। And then she made this space. ये अंदर Inox is mall itself. This is the popcorn. Yeah. सारा ने ना ट्रेलर देखा है, कुछ पता नहीं कौन हीरो हीरोइन है, बस आ गई है वो। हीरो हीरोइन भी है ना, वो तो जानवर क्यों बने? अरे जानवर नहीं है वो, भूत है वो, हॉरर कॉमेडी। प्रभाकर वो ठीक है। माई पर्सनल मुझे फिनिश द मूवी, हम दोनों को ठीक ठाक लगी। यहाँ पे हम लोग प्लान्स खरीद रहे हैं सारा और मैं। सो आई एम गेटिंग दिस, पहले सारा लेने वाली थी, उसने बोला नहीं यू गेट दिस शालू। तो सिले Because I have a bonza which is very big for my new house. But bonza is for good luck and this one is going harab harab. हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी कपल ऑफ डेज लेटर। आज शाम को मुझे एक इवेंट अटेंड करने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा व्लॉग करती हूँ। एक्चुअली कपल ऑफ इवेंट्स आई हैव लाइंड अप फॉर दिस वीक। मैं मुंबई में रह के पहली बार ऐसे कपल ऑफ इवेंट्स बैक टू बैक अटेंड कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगी है बेसिकली, बिकॉज मैनी ब्रांड्स डिड नॉट नो हु आई एम, वेर आई एम फ्रॉम, क्या मैं मुंबई में रहती हूँ या नहीं रहती हूँ। सो या मैं, माई एजेंसी इज ट्राइंग देयर बेस्ट एंड ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट कि ब्रांड्स को मेरा नाम बताओ। सो आज जो इवेंट है वो टीडा एक्स स्किन 1004 का है। स्किन 1004 इज अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड। आई लव कोरियन स्किन केयर। एंड जब मैंने स्किन 1004 के बारे में पढ़ा ना, सो 1004 को जब आप कोरियन लैंग्वेज में बोलते हो ना, उसका मतलब एंजल होता है, विच इज सो क्यूट, राइट? इवेंट में जाने से पहले आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू डू टुडे घर पे, जैसे कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो वो मुझे मंगाना है। साल में ये मेरा तीसरा गैस सिलेंडर है जो खत्म हुआ है। वैसे देखा जाए तो एक साल ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, तो आई कैन से दैट साल में मुझे दो ही गैस सिलेंडर लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 महीने मुझे हो चुके हैं यहाँ पे, एंड जिसमें से 3-4 महीने तो मैं थी नहीं। एनीवे, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एसी की सर्विसिंग करानी है, मेरे दोनों एसी की, जो मैंने रिलायंस डिजिटल से खरीदा था, पैनासोनिक का एसी, जो साल में 2 बार फ्री का सर्विस करा सकते हो, वो भी आएंगे, उसकी सर्विस भी करना है। और थोड़ा बहुत मुझे डीक्लटर करना है अपना मेकअप, दैट इज़ व्हाट आई एम गोना डू टुडे। गाइस, आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट व्हाट टू वेयर एंड लुक एट माय कबर्ड, आई जस्ट कांट गेट थ्रू इट। क्या पहनू मैं, निकालते निकालते ही दिमाग खराब हो गया मेरा। आई डेफिनेटली नीड अनदर वन ऑफ ऐसा कबर्ड ताकि मैं अपने हैंगर्स का यूज करके अपने कपड़े टांग सकूँ, क्योंकि ये क्या है। आई हैव सो मेनी चिकनकारी कुर्ताज, आई लव माई चिकनकारी कुर्ताज। मैं तो कह रही जज करो मुझे, ये क्या हालत बना रखा है मैंने। क्लीनिंग करते करते काफ़ी बॉक्सेस निकल गए खाली खाली। आई ऑल्सो डिस्कार्डेड सो मेनी मेकअप वगैरह जो कि पुराने हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। एंड नो, आई एम नॉट गोना गिव देम अवे गाइज। अगर आप कमेंट करोगे कि शालिनी व्हाई डू यू गिव दिस अवे, आई डोंट वांट टू गिव अवे यूज्ड मेकअप एंड पुराना मेकअप जो कि एक्सपायर हो चुका है। जी जाके मैं स्टूल लेके आई क्योंकि एसी की सर्विसिंग हो रही है। I'm ready for the event. Please excuse that pasara and this pasara also behind me. Let me explain what I'm wearing. ये waistcoat और pants H&M का है, ये guest का bag है. These rings are also from H&M. Of course, I'm a creator, मेरे पास hands watch तो रहेगा. And I'm wearing nude heels.
और हमेशा की तरह बाल मिलाने के लिए समय नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे क्लचर लगा लिया पीछे। उफ, बारिश इतनी हो रही है ना कि मुझे कैब ही नहीं मिल रहा है, मैं पिछले एक घंटे से ट्राई कर रही हूँ। इट्स रेनिंग क्रेजी टुडे, मैं कैसे जाऊंगी इवेंट में और एक घंटा लगेगा मुझे पहुंचने के लिए। That's Anushka. Hi. So pretty. Anushka 2.0. Guys, मैं पहुंची और बस 20 मिनट के अंदर इवेंट खत्म हो गया। I got my PR box. मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ के ट्राई कर लिए। अभी मैं जा रही हूँ रिया के पास, यहाँ पास में वडाला में रहती है, क्योंकि यहाँ से मुझे घर पहुँचने में 2 घंटा लग जाएगा, जाते समय ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो मैंने सोचा कि रिया के पास थोड़ा सा बैठ जाऊँगी, हम लोग कॉफ़ी वॉफी पी लेंगे, बातें बातें कर लेंगे, एंड उसके बाद मैं फिर कैब बुक कर लूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। तो मुझे ऐसे 50 मिनट्स आपके आस पास लगेगा। आई हैव रीच्ड दादर, द मार्केट लुक्स वेरी सिमिलर टू बांद्रा फॉर सम रीज़न, बट मेरी कैब दादा बोल रहे नहीं नहीं डिफरेंट है, ये काफी पुराना मार्केट है। कैसा है मेरा बच्चा? मैं पहुंची और 20 मिनट में इवेंट खत्म हो गया। बट कुछ तो हुआ होगा ना? अरे 3:30 से शुरू था, मैं ही लेट पहुंची वहां। रिया बॉट मी वाटर, गॉट मी नहीं बॉट मी, अभी आई और वहां से पानी खरीद के लेके आई मेरे लिए। मैंने बोला था इसको कि पानी ले आना, घर से आ रही है तो एक काम बोला था रिया, एक काम 30 रुपए बच जाते तुम्हारे। वी आर गोइंग टू पिज्जा एक्सप्रेस, ये जहाँ रिया रहती ना उधर ही अंदर ही है, बताओ सोसाइटी के अंदर पिज्जा एक्सप्रेस है रिया, कितने लग्जरी सोसाइटी में रहते हो। मैं भी रहती तो मैं भी ऐसी घूम रही होती। वाओ कितना सही मेन्यू है यार, ये न्यूज़पेपर जैसा। Guys, our paper straw is not paper strawing anymore. Yeah. This is chicken coriander pesto. मैंने आज तक पेस्टो का कुछ भी नहीं खाया रिया, आई होप इट्स गुड। ओके लेट्स ट्राई। इट्स नाइस। सो अमेजोन से मैंने कुछ फेक लीव्स मंगाई थी एंड आई एम गोना डेकोर ये जो फायर पाइप लाइन है ना, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेकोर करके रखा था पर मैंने उसको अच्छे से सिक्योर नहीं किया था। अब कितना अच्छा लग रहा है ना, पत्ती पत्ती पत्ती। ओके आई क्विकली गॉट रेडी क्योंकि मुझे जाना है लोअर परेल लॉरियल के ऑफिस। वहाँ पे ना उन्होंने कुछ क्रिएटर्स को मस्कारा ट्रायल्स के लिए बुलाया, नया मस्कारा लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए। दैट्स आई एम नॉट वेयरिंग एनी मस्कारा, इट्स नॉट एन इवेंट बट आई जस्ट वॉन्टेड टू अटेंड दिस फॉर नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग पर्पज, एंड वी विल गॉट टू ट्राई मस्कारास विच आई लव, एंड दिस इज माई फिट फॉर टुडे। ये जो ब्लेजर और पैंट्स है ना, ये दोनों H&M के हैं। दिस बैग इज बाय ज़ोक, मैं अपना लैपटॉप बैग कैरी करके चल रही हूँ। आई बुक्ड एन कैब, लेट्स गो। I reached office and I met Mridul. Hello, long time no vlog. Yes, and unka pair toota phir bhi aaye kyunki unhone bola commitment diya tha maine. That's my girl. We all are done testing the mascaras. I can't show you the mascara because it's a new launch. Soon. Yes. I just removed it. That's everyone. That's Chandni. Chandni, say hi. Chandini, Praveen and I are going to Palladium to eat something. Chandni was like, मेरा हो गया बस था के। Then I told her कि jeans loose करो अभी। अब था के नहीं, I'm not showing that.
था के जा रहे हो सब. गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आज ना मुझे घर की बड़ी याद आ रही है. सुबह से काफ़ी ग्लूमी ग्लूमी सा लग रहा है मुझे. एक्चुअली मौसम भी काफ़ी ग्लूमी ग्लूमी सा हो रहा है बाहर. घर की याद आ रही है, लियो की याद आ रही है, भाई बहन की याद आ रही है, मॉम डैड की याद आ रही है. सो मैंने डिसाइड किया है कि सैड नहीं होंगी एंड कुछ दिनों बाद में भुवनेश्वर जाऊँगी अपने मॉम डैड से मिलने के लिए. आज एक इवेंट है शाम को सेंट रिजीज में जो कि लोअर परेल में, एक घंटा लगेगा मुझे वहाँ जाने के लिए. सो इवेंट नायका और लैक्मे का है. लैक्मे इज रिलीजिंग देयर स्किन स्टाइलिस्ट कलेक्शन. इट्स अ स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे देखना है कि क्या वो रिलीज कर रहे हैं इसमें. और अभी मैं आप लोग के लिए करने वाली छोटू सा आइकिया हॉल. आई गॉट ऐसी जरूरतमंद की चीजें. सो फर्स्ट आई हैव दिस किसने वाला टूल. इसको किसनी कहते हैं आई थिंक हिंदी में. सो इसमें ऐसा लिड आता है जो आप निकाल सकते हो लाइक दैट. प्याज अदरक क्यूकम्बर वगैरह किसने के लिए काफी अच्छा है. नेक्स्ट आई गॉट दिस टू स्टोरेज कंटेनर्स. आई एम गोना स्टोर माई लिपस्टिक्स इन दिस. दिस वन फॉर ऑल माई न्यू लिपस्टिक्स and this is for all my deeper color ke lipsticks. Lastly I got a dustbin. I finally have a dustbin mere room ke liye. ye press karke open wala dustbin nahi hai, aapko apke haath se kholna padega, which is okay to me, but I really truly like the quality of this. iska price isme 599 rupees ka likha hua hai, but abhi IKEA mein kuch sale chal raha hai, so I got this for 399 rupees. guys it started raining. aapko itna samajh nahi aa raha hoga, but mujhe wahan ki building kuch bhi nahi dikh rahi hai, which means bahut tez barish ho rahi hai. guys mere aglonema plant mein naya patta aa raha hai. I'm so happy. इतनी खुशी होती है ना व्हेन योर प्लांट सर्वाइव्स एंड यू गेट टू सी अ न्यू लीफ आल्सो. और वो रहा उसका पड़ोसी बॉन्जाय प्लांट जो मैंने सारा के साथ खरीदा था. ओके आई एम गोना जस्ट थोड़ा सा वाटर देम. परसों पानी डाला था मैंने इनमें. लो बॉन्जाय प्लांट, आप भी थोड़ा पानी पी लो. एंड आई एम ऑल रेडी फॉर द लैक्मे इवेंट नाउ. आई हैव डन अ वेरी ग्लैम मेकअप क्योंकि इवनिंग ग्लैम था उनका थीम. आई हैव रिपीटेड माय आउटफिट. वाला आउटफिट मैंने मामा अर्थ के लास्ट ईयर वाले अवार्ड नाइट में पहना था. सो दिस इज हाउ द आउटफिट लुक्स लाइक. आई हैव डन अ बन बिकॉज टाइम नहीं था बालों के लिए. और मैं ये वाला क्लच कैरी करूंगी. ये वाला मैंने धारावी से खरीदा था. Who came to pick me? Finally. Yes, अनुष्का इसमें पड़ोसी. हाँ, और एक साल बाद हमको इवेंट पे finally साथ में जा रहे. कितनी प्यारी लग रही है ये एकदम. इवनिंग थैंक यू सीन द लुक. यस हमको एक घंटा लगेगा राइट. इवेंट ओवर हो चुका है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं. अनुष्का इज विद मी. दिस इज सम नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन. और मेरे बाल, मैं जब भी बन बनाती हूँ ना मेरे बाल एकदम टाइट हो जाते हैं तो बहुत दुखने लगते हैं. तो अभी मैंने सब खोल खाल दिया है. लेकिन आईशैडो क्या लग रहा है? अभी भी लग रहा है अच्छा, अभी चमक रहा है. थैंक यू. सब लोग ने मेरी आई लुक की इतनी तारीफ की, इतनी खुश हो गई. बिकॉज बींग अ ब्यूटी क्रिएटर जब आपकी कोई आई लुक की मेकअप की तारीफ करता है इतना अच्छा लगता है. वी आर हेडिंग होम नाउ. रात के 11 बज चुके हैं, हमको 40 मिनट लगेगा यहाँ से. तो पहले मुझे ड्रॉप करेगी अनुष्का एंड देन बस 5 मिनट बाद अनुष्का का घर आ जाएगा.